उपमंडल नूरपुर की प्रमुख सब्जी मंडी जसूर में कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए स्थिति पर कृषि उपज एवं मंडी समिति कांगड़ा के सचिव ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व आढ़तियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पूरे मंडी परिसर को सैनिटाइज भी किया गया तथा मंडी संचालकों को हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर की बोतलें भी वितरित की गई। सचिव आर के भारद्वाज ने बताया कि हर तीसरे दिन पूरी मंडी परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान मंडी संचालकों को दुकानों को खोलने की समय अवधि में उपभोक्ताओं की सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित बनाए रखने व मास्क पहनने के लिए सख्त हिदायत दी गई है तथा दो टूक चेतावनी भी जारी की जा रही है कि यदि किसी आड़त पर सोशल डिस्टेंसिंग के व अन्य नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उस आड़त के मालिक पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कई जिलों में लगातार मंडियों का दौरा कर रहा हूँ और मैंने लगभग हर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की मेरी बात की, जहाँ भीड़ रहती है तो मैंने हर जगह मंडी में बात की है, सुझाव दिए हैं, चेतावनी भी दी है, उनके एफआईआर दर्ज तक की है, सामान भी सीज किए हैं। लेकिन अब मुझे कल कुछ ऐसा मिला था कि जसूर मंडी में एक दो जगह जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया गया। तो आज मैं आया हूँ, मैंने हर कमीशन एजेंट को यहाँ बुलाया है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए मैंने उनकी मीटिंग करवाई है और मैंने उनको सख्त हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि अगर आज के बाद आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, अनावश्यक भीड़ लगाई, तो मैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी करूँगा और उनका सामान भी सीज करूँगा। सब मान गए हैं, मुझे नहीं लगता कल से कोई ऐसा होने वाला है। एक सुझाव है कि सप्ताह में मंडी दो दिन बंद कर लें तो कर लें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी मंडी खुली है उन दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, नहीं तो इसका परिणाम वो भुगतेंगे और इनका जब तक लॉकडाउन है तब तक उन्होंने कम से कम इनका जो लाइसेंस वो सस्पेंड कर दिया। दर्ज करूँगा और एमरजेंसी का केस है, मैं आपके चैनल से मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एमरजेंसी का पीरियड है, नेशनली इंटरनेशनल एमरजेंसी है, हम सब समझदार हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम एक डेढ़ महीना जो बिल्कुल ही एमरजेंसी है उसमें सब लोग हमारा साथ दें, कि जो चीज़ें बताई गई उनका ध्यान रखें ताकि इस महामारी को हम रोक सकें, उसको फैलने न दें। हर नागरिक के लिए कर्तव्य है कि वो खुद भी करें और बाकी को इसका जानकारी दें।